स्वागत है आपका कमर जी फटाफट में जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारा नंबर है नाइन वन थ्री सिक्स नाइन थ्री फोर जीरो सिक्स फाइव इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें अपना नाम अपने शहर का नाम भेजें और अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे या हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं सचिन गुप्ता हैं फाइव पैसा कैपिटल से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं चांदी की चांदी शुरुआती कारोबार में काफी कमजोर दिख रही थी वहां से थोड़ी रिकवरी जरूर लौटी है लेकिन अभी भी कमजोरी का ही रुख है क्या करना चाहिए सचिन जी किस तरह की चाल आगे रहेगी चांदी के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप सचिन जी चांदी पर आपकी राय क्या है हमारे दर्शकों के लिए चलिए सचिन के पास वापस से जाएंगे पर जी आप बताइए चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है शुरुआती कारोबार में गिरावट गिरावट ज्यादा थी वहां से थोड़ी कम जरूर हुई है 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 आगे क्या? I think, uh, यहां पे ये कि 25 basis point की जो फॉल है, वो तो फैक्टर इन हो गया है और यहाँ से मेरे ख्याल से जो प्राइस में प्रीमियम आना था वो भी आ चुका है की सलाह सला रहेगी व्यू है आपका चांदी को लेकर आप बताइए सचिन आप क्या सलाह दे रहे हैं चांदी के ट्रेडर्स के लिए गुड इवनिंग विश्मोन जी मुझे भी लगता है कि सेलिंग करके ही चलना चाहिए बिकॉज जो भी प्रीमियम थे वो ऑलरेडी मार्केट में फैक्टरिंग हो चुका है और फ्राइडे कुछ इस तरीके से पीसी के डेटा आने के बाद में यहां पर एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा है मुझे लगता है कि सेल ऑन की यहां पर रख के काम किया जा सकता है क्योंकि आज बैंक हॉलीडे है यूएस में तो मोमेंटम थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है बट ये कमिंग एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए यहां पर एक शॉर्ट इनिशिएट किए जा सकते हैं शॉर्ट का जो लेवल रहेगा वो नियर अराउंड एट्टी के आसपास से रहेगा वन कैन लुक फॉर दी शॉर्ट और अप साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा रहेगा वो एटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड का रहेगा डाउन साइड की जो पॉसिबिलिटीज है वो करीब एटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू एटी फोर थाउजेंड तक के लिए लग रही है कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं हमारे साथ पहले दर्शक आ गए हैं कृष्ण हैं दिल्ली से कॉपर पर सवाल पूछा है कि कॉपर में क्या करना चाहिए सचिन जी बताइए कॉपर में क्या करे क्रिश कॉपर में मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है हालांकि स्टॉक लाइक कॉपर के प्राइसेस एट प्रेजेंट करीब 799 के इम्पोर्टेंट लेवल के पास में मूव कर रहे हैं सो आज के ट्रेंड की क्लोजिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी इन केस अगर 800 हंड्रेड बिलो क्लोज करते हैं कॉपर के प्राइजेस तो फिर एक बार डाउन साइड मोमेंटम करीब सेवन और सेवन तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है वायर ऑन दी हायर साइड में अगर लाइक हायर uh, साइड में जो एक रेजिस्टेंस लग रहा है वो मुझे लग रहा है करीब एट हंड्रेड एंड एट एट हंड्रेड एंड टेन के आसपास में सो so, एक डेफिनेटली शॉर्ट शार्ट इनिशिएट की जा सकती है बट मुझे लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बार वेट करना चाहिए इनकेस क्लोजिंग अगर आज एट हंड्रेड की बिलो होती है तो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन से एक बार शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा सकते हैं सलाह है चलिए अब बात करते हैं रतन लाल हैं जयपुर राजस्थान से रतन लाल जी का सवाल है नेचुरल गैस पर कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए प्रथमेश जी बताइए एनजी पर आपकी राय क्या है रतन लाल जी के लिए 190 के टारगेट के लिए इनको बाय करना चाहिए सितंबर बाय द 178 का एंट्री पॉइंट रहेगा 172 का स्टॉप रहेगा टारगेट 190 के लिए रहेंगे एक और दर्शक नेचुरल गैस पर ही है निखिल मदन है खरीदे या बेचे नेचुरल गैस को सचिन जी आप सलाह दीजिए आपकी राय क्या बन रही है नेचुरल गैस पर Sir, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक पुल बैक और कंटिन्यू होगा सेलिंग ही करना है सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखेंगे 186 87 ये एक रिवर्सल जोन हो सकता है नेचुरल गैस के लिए सो अराउंड दैट लेवल वन के लुक फॉर दी शॉर्ट और अप साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 194 का रहेगा डाउन साइड में से जो टारगेट्स है मुझे लग रहा है एक बार वन और वन तक के देखने को मिल सकते हैं तो सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटी के साथ नेचुरल गैस में काम करना है अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत है राजगढ़ से गोल्ड सिल्वर एल्मोनियम कॉपर क्रूड इनकी पांच कमोडिटी है इंट्राडे और पोजिशनल दोनों राय जानना चाह रहे हैं नवनीत जी को क्या सलाह देंगे जी गोल्ड सिल्वर क्रूड कॉपर एलुमोनियम गोल्ड सिल्वर इंट्राडे में सेल ऑन रैली 71820 एंट्री पॉइंट 71, सेवेंटी टारगेट हंड्रेड पोजिशनली इसको मेरे ख्याल वन थाउजेंड के आसपास कंसोलिडेशन जोन है वहां पे आप आ, आ, थोड़ा लॉन्ग टर्म का अगर इंतजार करना चाहिए तो वापस सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है सिल्वर में इंटर डे के लिए एटी फाइव फोर हंड्रेड पर दिसंबर वायदा सेल करने की सलाह रहेगी एटी सिक्स थाउजेंड का स्टॉप रहेगा और टारगेट एटी फोर फाइव हंड्रेड के लिए रहेंगे Uh, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अगर रखे तो एट्टी थाउजेंड से 78, का जो जोन है वहां पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है तो वहां पे भी एक कर सकते हैं ऊपर वाला टारगेट सिल्वर में अराउंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड के लिए रहेगा अः uh, क्रूड का अगर इन्होंने पूछा है तो क्रूड में इंट्राडे में जो स्ट्रेटेजी है वो सेल ऑन रैली करे सिक्स टू थ्री जीरो पर सेप्टेम्बर वायदा जो बेचने की सलाह रहेगी सिक्स थ्री वन जीरो का स्टॉप रहेगा टारगेट सिक्स जीरो सेवन जीरो रहेंगे क्रूड में पोजिशनल जो है पोजिशनल uh, ट्रेड uh, ना करें इसमें वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है और न्यूज uh, फ्लो के कारण इसमें आपको दोनों साइड के स्विंग मिल सकते हैं तो क्रूड में पोजिशनली कोई व्यू नहीं है कॉपर uh, में इनको और मेटल्स में खासा अगर सारे मेटल्स में करेक्शन है तो इसको सारे मेटल्स में सेलोन रैली होगी जिंक स्पेसिफिकली 265 पर ट्रेड कर रहा है ये पॉसिबिलिटी है टू uh, सिक्सटी तक फॉल होने के लिए उसको सेलोन रैली कीजिए 270 का स्टॉप लगाकर कॉपर इंट्राडे में बेचना चाहिए 803 के आसपास 807 का स्टॉप रहेगा टारगेट सेवन के लिए रहेंगे पोजिशनली कॉपर में अगर सही है 800 के नीचे चले जाता है तो ये डोर्स ओपन हो जाता है 780 के लिए कॉपर में बाय साइड में न रहे नेचुरल गैस में अगर ये बाय करना चाहते हैं तो फिर स्ट्रिक्स टॉपल ट्रेड करें वन के टारगेट के लिए ऑल्टरनेटिवली बिकॉज नेचुरल गैस में वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो कॉल ऑप्शन खरीदे सेप्टेम्बर का वन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है यहाँ खरीदे प्रीमियम जो है साढ़े सात रुपए के इस पर मिल रहा है पांच रुपए का स्टॉप प्रीमियम स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट जो है पंद्रह रुपए के लिए रखें आप नवनीत जी को क्या सलाह देंगे सचिन जी गोल्ड सिल्वर क्रूड कॉपर एल्मोनियम में आ, मुझे लगता है नवनीत जी को अगर इंटरडे का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सेलोन राइस की स्ट्रेटेजीज ही रखनी चाहिए गोल्ड में अगर...

जो रेजिस्टेंस है वो करीब एंड एंड 810 के आसपास में आ रहा है वहीं अगर मैं बात करूं जिंक की तो so जिंक पे मेरा व्यू जो है वो सेल का ही है 265 करंट मार्केट प्राइस से एक बार वन के लुक फॉर दी शॉर्ट अपसाइड में जो स्टॉप लॉस है 267 का रहेगा और डाउनसाइड मुझे लग रहा है एक बार 262 एंड 260 तक के लिए

आई थिंक विष्णामोहन जी सिक्सटी सेवन थाउजेंड गोल्ड में आ जाता है तो uh, वो बेहतर एक्यूमलेशन जोन होगा तो जिन्होंने रैली मिस करी है सेवेंटी टू थाउजेंड तक की या सेवेंटी फोर थाउजेंड तक की इनको वहां पे एक्यूमलेट करना चाहिए एसेड uh, क्लासेस है ऐसा नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूसली वन साइड रैली में जाएगी ये बट यस इनको डिप्स आती है तो यहाँ पे एक्यूमलेट करना चाहिए और सिल्वर का जो कंसोलिडेशन जोन अगर पूछ रहे हैं तो सेवेंटी एट थाउजेंड और एटी थाउजेंड के करीब है अगर इस भाव में मिलता है तो एक्यूमलेशन कीजिए आने की पॉसिबिलिटी येस और नो दोनों भी है बिकॉज इसमें यहाँ पे क्या है न्यूज फैक्टर और न्यूज फ्लो काफी ज्यादा रहता है दोनों कम्योनिटी में तो येस yes, पॉसिबिलिटी है ऐसा नहीं कि नहीं है और अगर आ जाए तो फिर दोनों कम्योनिटी में एक्यूमुलेशन ही एडवाइस रहेगा ओके सचिन जी आपको लगता है क्या सिक्सटी सेवन और सेवेंटी एट चांदी में जी विश्मोन जी वैसे तो मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बिकॉज इससे पहले भी हमने बड़े करेक्शंस और बड़े जो है अप मूव्स आते हुए मार्केट में देखे हैं बट अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से और जो भी ऑनगोइंग जो न्यूज फ्लो है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बार सेवेंटी के आसपास में जो है वो बेस बनता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड में इनके सेवेंटी थाउजेंड के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर सिक्सटी तक की पॉसिबिलिटीज बनेगी बट येस yes, मुझे लग रहा है सेवेंटी विल बी गुड एक्मिलेशन जोन और वहीं पर जो है वो प्राइजेस मूव करते हुए

में सकते ओके okay. अगले दर्शक हमारे साथ हैं अमित है नासिक से इनका सवाल है इन्होंने 6100 6100 के स्ट्राइक की पुट खरीद रखी है 132 पे क्या करना चाहिए प्रथमे जी इनको क्या सर सर इनका क्या ए, 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 एंट्रेंस जरा दोबारा से बताएंगे प्लीज 6100 के स्ट्राइक की क्रूड की पुट इन्होंने शॉर्ट कर रखी है खरीदी उन... नहीं है शॉर्ट कर रखी है राइट किया इन्होंने क्या करना उन... चाहिए एक... Uh, इनका व्यू उस हिसाब से लॉन्ग का बन रहा है तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है बिकॉज इन पुट पुट लॉन्ग को इन्होंने राइट किया है uh, तो पॉसिबिलिटी जो है क्रूड का डायरेक्शन यहाँ से अभी तक नीचे का ही है तो इनको अपने पोजीशन से निकल जाना चाहिए वो ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगी okay, तो ये सलाह आपके लिए है चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते अभिषेक पांडे है नेचुरल गैस मिनी इन्होंने एक सौ नब्बे रुपए पर खरीदा है अभिषेक पांडे को क्या सलाह देंगे सचिन जी वन नाइनटी की खरीद है एनजी मिनी रुके क्या अभी इनको नुकसान हो रहा है आज जी मुझे लगता है कि एक पुल बैग आने की पॉसिबिलिटी जैसे कि मैंने बात की तीन से चार रुपए का देखने को मिल सकता है 190 आ, मिनी का अगर मैं प्राइस देखूं तो करीब 182 के आसपास चल रहा है अगर तीन से चार रुपए का एक मूव मिलता है अपसाइड में तो वहां से एक बार पोजीशन से निकलने की सलाह रहेगी बिकॉज ओवरऑल सेल ऑन राइस यहाँ पर बेटर लग रहा है चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं अगले दर्शक हैं आशीष है राजस्थान से कॉपर इन्होंने 808 रुपए पर खरीदा है क्या करना चाहिए प्रथमे जी कॉपर में क्लियर है 800 के नीचे ये फॉल जो एक्सटेंड हो सकता है 790 और 780 तक के लिए इनको पोजीशन से एग्जिट कर लेना बैड स्ट्रेटजी होगी ओके सचिन जी आप क्या सलाह देंगे इनको एग्जिट करना चाहिए या 808 तक रुकना चाहिए 808 किन की बाइंग है आ, मुझे लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए क्योंकि इनकेस अगर 800 के बिलो आज क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती है तो फिर एक स्लाइड पुल बैक देखने को मिल सकता है और फिर उसमें इनका एक बार एग्जिट पॉइंट आ सकता है सो आई वुड सजेस्ट कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बार वेट कीजिए 796 के स्टॉप लॉस के साथ में और अगर आज की क्लोजिंग 800 के ऊपर देखने को मिलती है तो फिर एक दो ट्रेड एक से दो ट्रेडिंग सेशन में एट हंड्रेड एंड फाइव के लेवल्स मिलेंगे वहां पर पोजिशन से एग्जिट कीजिएगा तो ये व्यू आपके लिए है लेकिन चलिए अब आपको एक इंटरव्यू सुनवाते हैं संजय रावल से हमने खास बातचीत की थी कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है उनसे एग्री वायदा को लेकर हमने कई सारे सवाल पूछे थे कि एग्री वायदा की जो दिक्कतें हैं पार्टिसिपेशन की कमी है उसकी वजह क्या है और वो सी इस दिशा में क्या काम कर रहा है और आगे कौन कौन से ऐसे वायदा है जो जिसकी मार्केट में एंट्री हो सकती है जो बैन हुए वायदा हैं क्या उसकी दोबारा री एंट्री होगी क्या इन तमाम सवालों के उन्होंने क्या जवाब दिया है आइए सुन लेते हैं आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है कम्योडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजय रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला सर सबसे पहला मेरा सवाल होगा कम्योडिटी डेरिवेटिव मा, मार्केट के लिए आप लोगों की क्या योजनाएं हैं क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नए लॉन्चेज होने वाले हैं कमोडिटीज़ में एज जैसे आपको पता है कि हमारे इनोवेशन होती रहती है तो अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं स्पेशली एग्री में हमारी होप है कि अगले कुछ टाइम में थोड़े जो बैंस हैं वो हटें और अ, थोड़ा और उसमें सुधार हो एग्री कमोडिटी की ट्रेडिंग में सर एग्री के वॉल्यूम जिस तरह से गिर रहे हैं लिक्विडिटी को लेकर चिंता है प्राइज़ डिस्कवरी पे सवाल उठते हैं कि जो हाजिर है उससे लिंक नहीं है तो वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है और आप लोग सी की तरफ से क्या कर रहे हैं uh, मेरा मानना है कि जो uh, वायदा बाजार है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमारे को प्राइस डिस्कवरी और सही प्राइस निकालने का तो मेरा ये मानना है कि हम जब तक इसको और बढ़ाएंगे नहीं तब तक हमारे को ये जो uh, जो प्राइस है वो सही नहीं मिल पाता है तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिलते हैं एग्री मिनिस्ट्री में मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर हम एग्री मिनिस्ट्री में जा रहे हैं तो होपफुली अगर हमारी बात सुनी जाए तो वी विल बी एबल टू रिवाइव हमारी जो ये थोड़ी वॉल्यूम घट गई है इनको रिवाइव कर कर पाएंगे हम ओके okay. सर अब चर्चा है मार्केट में कि खाने के तेल के कॉन्ट्रैक्ट वापस हम आ सकते हैं सोया तेल को लेकर काफ़ी चर्चा है सोया तेल फ्यूचर्स को लेकर इस पर कुछ अपडेट सर कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम बहुत होपफुल हैं हम जैसे मैंने कहा हम फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जाते रहते हैं एग्री मिनिस्ट्री भी जाते रहते हैं एंड मैं उससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि जल्द आएगा तो जल्द आने की उम्मीद सी पी प्रेसिडेंट को लग रही है कि खाने के तेल के फ्यूचर जो बैन किए गए उसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट आने की संभावना है सर अब मैं बात करता हूँ क्या मिनी और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट का दायरा बढ़ना चाहिए ताकि जो पार्टिसिपेशन है वो एक ब्रॉडर लेवल पर जाए छोटे ट्रेडर भी छोटे पार्टिसिपेंट्स भी छोटे हेजर्स भी आ सकें मैं मानता हूँ कि मिनी ज़रूर आने चाहिए बिकॉज जैसे हमने अभी भी कॉन्फ्रेंस में हमने सुना था कि जो फार्मर लेवल है वो ये सोचता है कि मैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं कर पाऊँगा मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा या हेज नहीं कर पाऊँगा या उसकी जो एवरेज एकरेज है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो उतना उसके पास यील्ड आता हो तो एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट आने से फ़ायदा होगा ये मेरा तो ये मानना है कि आने चाहिए ओके okay, तो मिनी को आप सपोर्ट कर रहे हैं सर अगला सवाल होगा एफ की भागीदारी को लेकर जो नॉन एग्री कैश रिटल कॉन्ट्रैक्ट में एफ की भागीदारी है अब तक किस तरह का रिस्पॉन्स है क्या डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं आगे के लिए अभी तक कोई ऐसे आ, रब, आ, क्लियर डेटा ऐसा नहीं मिला है जिससे ये पता लगे कि भाई एफ पी आईज अब डोमिनेट करते हैं और लाइक दैट ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में सेम कॉन्ट्रैक्ट है तो ये सवाल उठता है कि क्यों वो यहाँ पे आके हेज करें या यहाँ पे आके पोजीशनिंग बनाए तो जैसे आप जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनली रेफरेंस्ड प्राइजेज हैं अब गोल्ड है तो गोल्ड का रेफरेंस प्राइज इंडिया में नहीं है लेकिन इंडिया में गोल्ड बहुत ट्रेड होता है बहुत कंज्यूम होता है तो यहाँ पर उसका प्राइज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे पास लोकल डिमांड सप्लाई का प्राइस नहीं होगा तो वो मतलब हम उसके फिर हमारे पास सही प्राइस नहीं मिल पाएगा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइजेज़ होने चाहिए यहाँ ट्रेड होना चाहिए हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि उसके अलावा जो जो इंडियन कमोडिटीज हैं वो ज़रूर और ट्रेड होनी चाहिए जो एग्री कमोडिटीज़ हो गई और रह गई बात जो इंटरनेशनल रेफरेंस भी है उनको भी उनका प्राइस सेटर हम बन पाएँ ऐसे हमारे को काम करने पड़ेंगे वो मुश्किल काम है लेकिन जरूर हो सकता है ओके okay, तो ये थे सीपीआई के प्रेसिडेंट संजय रावल जी जिन सुन रहे थे आप और वो बता रहे थे कि कैसे एग्री वायदा को बढ़ाने की ज़रूरत है और इस पर काम भी चल रहा है वो लगातार मिनिस्ट्री में जा भी रहे हैं और उम्मीद है कि तेल तिलहन से जुड़ा हुआ एक वायदा की वापस से रीएंट्री हो सकती है चलिए अब आपको एक और इंटरव्यू सुनवाते हैं वो है किरणदीप एस स्वानी जो एमडी हैं स्वानी स्पाइस के उन्होंने तीनों ही मसाले जो ट्रेड होते हैं एनसीडीएक्स पर हल्दी धनिया और जीरा इसको लेकर क्या कहा है डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति है भाव को लेकर उनका क्या अनुमान है क्या एस्टिमेट है आइए सुन लेते हैं हमारे साथ स्वानी स्पाइसेस के किरणदीप स्वानी जी हैं शुक्रिया सर आपने वक्त दिया सबसे पहले सर एक एक मसालों पे बात करते हैं। हल्दी को लेकर क्या लग रहा है क्या आप लोगों की खरीदारी किस तरह की हो रही है भाव तो काफ़ी नीचे आ गए हैं आप लोग खुश होंगे काफ़ी देखिए जी बिगनिंग ऑफ द सीज़न में काफ़ी घबराहट थी <laughs> क्योंकि फसल भी कम थी प्राइस uh, भी बढ़ रहे थे तो हमने एन सी पे काफ़ी हैज किया था वो हमने करीबन छः सात महीने संभाला सा काम हो गया हाँ जी उससे काम हो गया था है उससे काम हो गया हम उसको हमको लिक्विडेट करना पड़ता है बिकॉज हमारा जो एक्सपोर्ट में जाता है ना माल वो हमको बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ही यूज करना पड़ता है एक्सचेंज का माल नहीं चलता okay. बिकॉज पेस्टिसाइड्स का इशू आता है उसमें okay. तो हमको बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ही वो माल लेना पड़ता है okay. सर अभी किस तरह की डिमांड सीनारी ग्लोबली और डोमेस्टिक मार्केट में हल्दी को लेकर सर दो दो चीज़ें हैं एक तो सेंटीमेंट है अभी हल्दी और जीरा दोनों सेंटिमेंट पे चलते हैं सप्लाई डिमांड पे इतना महत्व तो कम होता है बट मेन थिंग सप्लाई अप सेंटिमेंट ना हल्दी वेंट अप टू वन एटी दो सौ तक भी टच किया दो सौ दस तक हाँ वहाँ से जो टूटा ना और बारिश सब जगह अच्छी हो गई है भावनी भी बढ़ गई है तो उसको देखते हुए जो डोमेस्टिक बाइंग वाले हैं ना वो एकदम संकोच में आ गए सबको पहले अपने घर का माल निकालना है और उससे क्या हुआ है डिमांड पे इम्पैक्ट आ गया एड टू दैट बांग्लादेश बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो टर्मोइल है तो वहाँ पे भी डिमांड खत्म हो गई अब लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश दोबारा शुरू हो रहा है बट उसने जितना सेंटिमेंट को तोड़ा ना ये सीधा आके 125 पे गिरा अभी थोड़ा सा बढ़ गया है बट मैं समझता हूँ कि आज 135 का जो भाव है वो बढ़ के एक सौ डेढ़ सौ तक भी जा सकता है कब तक एनी बड़ीज गैस ये सब डिमांड पर निर्भर करेगा लंबी अवधि में क्या लग रहा है जो अगर पाँच महीने छः महीने का व्यू हो तो हल्दी में तेजी या मंदी मेरे ख्याल थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा हाँ ठीक है तो रेंज क्या रहेगा क्या रेंज आ, मेरे ख्याल टॉप 150 मैक्सिमम 155 और जब न्यू क्रॉप की अराइवल शुरू होगी ना फिर वो आ जाएगा एक पे एंड देन इट कैन कम डाउन टू वन टेन हंड्रेड टू वन टन सर हल्दी के बाद जीरे की बात करते हैं जिसकी चर्चा काफ़ी थी पिछले सालों में लेकिन इस बार अब धीरे धीरे जीरा काफ़ी ठंडा हो गया है काफ़ी बाउंड यहाँ पर दिख रहा है क्या लग रहा है आगे की चाल जीरे की कैसी रहेगी भाव के हिसाब से बताइए और डिमांड सीनैरियो के हिसाब से बताइए सर एक चीज़ तो है कि पिछले साल हमने आठ का भी भाव देखा अब फार्मर ने भी देखा सब जगह बुझाई डबल से ज़्यादा हो चुकी है अब बाजार आके ढाई सौ गिर गया अब फार्मर कहता है कि मैंने आठ सौ का भी भाव देखा था अब मैं अढ़ाई सौ में क्यों बेचूं तो मेरे हिसाब से चालीस पैंतालीस टका माल ही बाजार में आया है मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ गुजरात का नहीं और फार्मर अभी रोकेगा दिवाली तक वो फिर निकालेगा ओके तो क्या लग रहा है दिवाली तक दाम बढ़ेगा क्योंकि हमारे फार्मर्स बहुत व्यूअर्स है वो पूछते भी हैं सवाल भी उनके आते हैं उनको रुकना चाहिए दिवाली तक आप क्या सलाह देंगे देखिए जी फार्मर आज का कोई अनाड़ी नहीं है वो, वो इंटेलिजेंट आदमी है सबके पास स्मार्टफोन है सबको एन के रेट मिलते हैं सबको मुंजा मंडी के रेट मिलते हैं और उनके पास पैसा है वो। क्या हालांकि आप फार आप इंडस्ट्री वाले हैं आपको तो ख़रीदारी भी करनी है तो आप इस तरह से कह भी नहीं सकते कि दाम बढ़ने वाले हैं रुक जाओ धनिया को लेकर सर बताइए धनिया को लेकर क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको धनिया काफ़ी समय से नरमी सुस्ती दोनों चल रही है क्या होगा आगे अब सर धनिए में ठीक है फसल कम है बट कैरी ओवर का ओवर हैंग इतना है कि ये बाज़ार को बढ़ने नहीं दे रहा और पिछले साल इम्पोर्टेड माल भी बहुत आया ये रशिया यूक्रेन की वॉर के हिसाब से रशिया ने बहुत सस्ते भाव में बेचा अब इस साल कह रहे हैं कि भी फसल थोड़ी कम है आ, पिछले साल 600 के भाव थे अब 700 सौ उसके ऊपर भाव हैं तो पता नहीं अब फिर भी अगर इंडिया का भाव अब और बढ़ गया ना तो इम्पोर्ट फिर आएगा तो आप यहाँ पे सुन रहे थे स्वानी स्पाइस के एम डी किरणदीप एसवानी से जो वो हल्दी जीरा और धनिया तीनों पर अपना आउटलुक दे रहे थे लेकिन उनको लग रहा है कि हल्दी में यहाँ से गिरावट कम दिखती है तेजी की उम्मीद उन्हें ज़्यादा दिख रही है चलिए आगे बढ़ते मानसून का अपडेट आपको दे दें मानसून को लेकर खबर ये है कि सितंबर में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है देश के ज़्यादातर हिस्से में सितंबर महीने में अच्छी बारिश की उम्मीद है राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सितंबर के महीने में काफ़ी बारिश हो सकती है और कुछ इलाके ऐसे भी होंगे इन राज्यों के जहां पर बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है अगस्त की अगर बात करें तो अगस्त में सामान्य से 16 परसेंट ज़्यादा बारिश हुई है वहीं एक जून से एक सितंबर तक अगर पूरे मानसून सीजन की अगर बात करें तो एक जून से एक सितंबर तक देश भर में अब तक सात ज़्यादा बारिश हुई है अट्ठाईस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहे हैं जहां पर सामान्य या अत्यधिक बारिश हुई है लेकिन आठ राज्य ऐसे भी है जहां पर डेफिसिट की स्थिति है वहां पर सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है और अब तक बिहार पंजाब यूपी हरियाणा जैसे बड़े एग्री एग्रीवेल्ट वाले राज्य है जहां पर सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है तो इन राज्यों को लेकर अब सितंबर से ही सिर्फ उम्मीदें बची है कि उनकी जो ये डेफिसिट है ये खत्म होती है या नहीं चलिए एक और खबर आज ये है कि एन पर कॉटन वॉश ऑयल का वायदा शुरू हो गया आज से एन पर इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई जिसके लिए शुरुआती मार्जिन अगर आपको ट्रेड करना है तो 12 परसेंट देना पड़ेगा और ट्रेडिंग यूनिट इस कॉन्ट्रैक्ट का पाँच मीट्रिक टन है और टिक साइज पाँच दस पैसे का है अच्छी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट का कैश में सेटलमेंट होगा लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे वो जानना चाह रहे होंगे कॉटन वाश ऑयल होता क्या है तो कॉटन वॉश ऑयल कपास से निकलने वाले बीज की पेराई करने पर निकलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हेजर्स है जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं इसके वैल्यू चेन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए खास कॉन्ट्रैक्ट है चलिए इसी नोट के साथ हम कम्योडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं सचिन जी प्रथमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को के तमाम सवालों के आप लोगों ने जवाब दिए तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ